दुश्मन के हिलने का जिक्र गाने में था और वाकई पाकिस्तान हिला हुआ है। तभी तो गीदड़ भपकियां देते देते थक गया परमाणु हमले के। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान में फर्क क्या रहा, यह समझना होगा पूरे विश्व को। लेकिन इन सब के बीच उसने अपनी टुकड़ियों के, पाकिस्तानी फौज की टुकड़ियों की मौजूदगी को सरहद पर बढ़ाया। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कौन है वो घातक कमांडोज जिन्होंने जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है? जैसा कि यहां पर मौजूद तमाम अफसर हमें जानकारी दे रहे हैं, एक प्लाटून जिसमें 20 से 30 जवान होते हैं, एक कैप्टन नॉन कमीशन अफसर इसके होते हैं। पहाड़, जंगल, समंदर, आग जैसे हर बुरे हालात में मुस्तैदी की ट्रेनिंग की जाती है। एक एक कमांडो को अलग से चुना जाता है और फिर उसे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसके जरिए वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, ये देखिए, कमांडिंग कैप्टन होता है, दो नॉन कमीशन अफसर होते हैं। कर्नाटक के बेलगांव में होती है इन कमांडोज की ट्रेनिंग और हर बटालियन में अब इस तरह के स्पेशलाइज्ड घातक कमांडोज तैयार किए गए हैं। पहाड़, जंगल, समंदर, आग, हर बुरे हालात में मुस्तैदी की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जैनी साहब, जैसे हम इन जानकारी दे रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप बता रहे थे कि किस तरह के लोग ये होते हैं जिनको कमांडोज के लिए चुना जाता है और फिर किस तरह की, क्योंकि अभी भी जो जानकारी आ रही थी, सरहद पार करके रेंग कर इन्हें उन बेसिस तक पहुंचना पड़ा है जहां इन्होंने हमला किया है। देखिए, हर एक बटालियन में ये कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर में छोड़ा जाता है कि वो अपना ये घातक प्लाटून किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। तो घातक प्लाटून में भी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उसमें नए जवान, थोड़े से ट्रेंड जवान, थोड़े से लांस नायक, थोड़े से नायक, एक दो हवलदार, एक आध JCO, तो एक पूरा हेराकियल स्ट्रक्चर होता है उसमें। और तीन सेक्शंस होते हैं इसके, 11-11 लोगों के तीन सेक्शंस होते हैं, 10-10 लोगों के तीन सेक्शंस होते हैं। हाँ। तो इनमें बटालियन में तकरीबन 850 लोग होते हैं, उनमें से सबसे बॉडीली फिट, मेंटली अलर्ट, साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड। आप इनकी शूटिंग स्किल्स के बारे में भी बता रहे थे कि इनके टारगेट और शूटिंग स्किल्स में बहुत जबरदस्त। एक तो इनकी फिजिकल फिटनेस बहुत ही ऊंचे दर्जे की होती है और दूसरा इनकी साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन। साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अगर इनको 4 दिन भी 5 दिन भी बिना खाने के जाना हो, पानी नहीं मिले, ये दे कैन लिव ऑफ द लैंड, जंगल की पत्तियां और फूल पत्ते तोड़कर ये रह सकते हैं, जंगल के कीड़े मकोड़े सांप काट काट के खा सकते हैं। सांप काटना हमने सीखा कमांडो ट्रेनिंग में हमने सीखा है कि सांप को किस तरीके से पकड़ के और उसको काट के उसको किस तरीके से खाया जाता है, हमने सीखा है, हमने सांप खाया। तो ये लिविंग ऑफ द लैंड बोलते हैं इसको, कि आप धरती माता जो आप जो भी आपको दे उस पे आप जी सकते हैं। तो इनकी फिजिकल फिटनेस इनकी हुनर के ऊपर में तो कोई शक नहीं होता है। और ये बड़े बहुत ही स्पेशल टास्क, सिलेक्टेड टास्क, घात लगाना है, दुश्मन के पीछे एम्बुश करना है, कोई किसी गन एरिया को रेड करना है या किसी दुश्मन के हेडक्वार्टर को रेड करना है, ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेहता साहब, मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि अब जवाबी कार्रवाई क्या होगी पाकिस्तान की, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लीव रद्द नहीं की है। कल शाम तक तो लीव रद्द नहीं हुई थी कहीं फौज में, और पाकिस्तान ने ये बयान दिया है कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस ही नहीं किया। और उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर वो क्रॉस करेंगे तब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का डिसेप्शन है और ये डिसेप्शन में हमको पढ़ना नहीं चाहिए, और हमको जवाबी हमला या कार्रवाई का इंतजार करना है। ठीक है, थापर सर जी, मैं वो घातक प्लाटून के बारे में कुछ और दो छोटे मोटे पॉइंट ऐड करूँगा। एक तो ये है कि उनको अनआर्म्ड कॉम्बैट में काफी मशक्कत दी जाती है। ठीक है, अनआर्म्ड कॉम्बैट, हथियार नहीं है, सिर्फ हाथ के साथ, हथियार नहीं है सिर्फ हाथ के साथ, हाथ के साथ और चाकू के साथ या डैगर के साथ। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा जो उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो एक्सप्लोजिव में है। अच्छा, कि बारूद कैसे लगाना है, बारूद कैसे उड़ाना है और इस तरह के बेस के बेस अगर उड़ाने हैं तो कैसे वहां बारूद लगा। अगली बात, मेरा पॉइंट है जो जनरल मेहता साहब ने बोला है, मैं समझता हूँ उनको जानकारी ज़्यादा है, लेकिन इस समय पर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है हमारी सेना के लिए। और उसमें अगर हम लीव कैंसिल कर देते हैं
तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और जो 10 किलोमीटर का हमने रेडियस खाली कराया, रेडियस खाली कराया है, वो इसी सोच में कराया कि शायद ऑफेंसिव या डिफेंसिव एक्शन। ठीक है, जल्दी से सर, क्योंकि अशरफ, हाँ, अशरफ हमारे सहयोगी ने कारगिल में जाकर जो कर्नल थापर ने अभी बताया है कि कल रात कल वाले ऑपरेशन में यही कमांडो घातक ने एक दुश्मन का जो है उसके हथियार से नहीं मारा, उसको पकड़ के उसको अपनी खुकरी से उसको साफ किया है, खुकरी से उसको काटा है। तो ये इस किस्म के उनकी जो है ट्रेनिंग में एक्सपर्टीज है, सुपर ह्यूमंस की तरह धरती से जो कुछ मिले, जैसा बता रहे थे यहाँ पर मौजूद अफसर, सांप से लेकर पत्ते, इन सब के बलबूते वो जीते हैं, और ऐसी उनकी इच्छा शक्ति या मनोशक्ति कह लीजिए, जिसके जरिए दुश्मन को बस निकलने नहीं देना है, अपने किसी साथी को पीछे छोड़ना नहीं है, इस मंशा के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए ये देखिए विज्ञान भवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं कल के हमले के बाद, और बीते दिन की गतिविधियों के बाद प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं इस वक्त विज्ञान भवन में। ये आयोजन पहले से प्लान था वहां पर, और उसी में स्वच्छ भारत मिशन के एक प्रेजेंटेशन को वो देखते हुए, आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है। Representatives, ministers in charge of urban development and sanitation from 677 districts, all the districts, municipal commissioners from 500 Amrit cities, NGOs, private sector, all are participating. Every day we also get you a report from different parts of the country where Swachhta Mission is being adopted by the states. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वच्छ भारत मिशन, और ये विज्ञान भवन में पूरा आयोजन है जिसमें देश भर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना प्रेजेंटेशन आज दे रहे हैं, अलग अलग राज्यों से प्रधानमंत्री की उस पर नजर है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए हर तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है, लेकिन इन सबके बीच जिस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा लगातार कर रहे थे, आइए आपको लिए चलते हैं किस तरह से जो सरहदी इलाके हैं वहां पर गांव में जबरदस्त मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, और होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का कोई ठिकाना नहीं है। क्या रावलपिंडी से कोई ऐसा वैसा फैसला लिया जा सकता है? इस सबके मद्देनजर कारगिल पहुंचे हमारे सहयोगी अशरफ, और वहां पर सेना किस तरह से मुस्तैद है देखिए। करगिल वो शहर है जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा है, और करगिल युद्ध की जो यादें हैं वो अभी भी यहाँ लोगों के बीच में ताज़ा है। कल से जिस अंदाज से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है सीमाओं पर, यहाँ पर लोगों का क्या सोचना है उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। मोहम्मद हसन बोल रहा हूँ सर। हसन साहब, आप ये बताइए, करगिल ने युद्ध देखा 99 में, उसके बाद काफ़ी तबाही यहाँ पर हुई, कल जो पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बना हुआ है सीमाओं पर, उसको लेकर यहाँ पर लोगों का क्या सोचना है? यहाँ पे सिविलियंस में यही अभी हम सोच रहे थे कि यहाँ पे अभी हमारे पास स्टॉक अभी बिल्कुल नहीं है सिविलियंस में, यहाँ पे फूड गोदामों में, यहाँ दुकानों पे अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारा सीजन भी अभी ऑफ हो रहा है, जोजरा बंद हो रहा है, तो हम यही दुआ करते हैं कि ये जंग नहीं होना चाहिए, पुरामन तरीके से रहना चाहिए, या बॉर्डर पे हो, आर्मी के भी तरफ से काफ़ी कल दो तीन दिनों से यहाँ पे काफ़ी ये चल रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि जंग नहीं होना चाहिए, अमन तरीके से ये बातचीत के तरीके से जो कश्मीर का मसला हो सब कुछ ठीक तरीके से हल होना चाहिए। तो अगर किसी हाल में अब मान लीजिए, तो क्या कल क्या हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना, तो लोगों के बीच डर भी अब दौड़ने लगा है, या लोग बना रहे हैं मन के उनको निकलना पड़ेगा? बिल्कुल, काफ़ी डर बढ़ने लगा और काफ़ी हलचल हुआ कि क्योंकि ये बॉर्डर से बहुत नज़दीक है कि कारगिल जो है 99 में भी हम लोगों ने, मगर जिस तरह के डर नहीं है कि जो हम जंग लड़ेंगे कि हम उसमें हम पीछे हटेंगे, क्योंकि 99 में जो जंग हुआ था आर्मी के साथ साथ में कारगिल के लोगों ने, कारगिल के जवानों ने, कारगिल के पूरे ट्रांसपोर्टर्स ने, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हो, जितने भी जवान हो, सब मिल के बॉर्डर पे जाके आर्मी के साथ जंग लड़े थे, उसमें बहुत हद तक हम लोगों ने वहाँ पे जंग फाइट किया था वहाँ पे हम लोगों ने। तो अब फिलहाल आप कल रात को कुछ लोग यहाँ से घरों से निकले, या उन्होंने वो जगह बनाई है जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकते हैं, जन के हालात बनते हैं दो देशों के? अभी तो अभी फिलहाल इस उतना यहाँ पे वो नहीं है, उतना अभी जंग करने की, ये जंग में मतलब होने की संभावना नहीं है ना, इतना हमने जगह नहीं बनाया कि हम जाके आगे जाके पीछे हटेंगे, हम जगह बनाएंगे और कहीं जगह हम भाग जाएंगे, इतना नहीं है अभी, इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना भी मतलब यहाँ पे हम डर के हम भाग जाएंगे वो बात नहीं है। बहुत ज़्यादा हम डरे हुए नहीं हैं, तैयार हैं इसके लिए, और हर जगह इस तरह की तैयारी हो रही है, तमाम अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी भी पहुंचे हैं, सरहद के जितने भी गांव हैं, इलाके हैं, ये जानने के लिए कि किस तरह की तैयारी वहां पर हो रही है। अंबाला में हमारे सहयोगी जितेंद्र ने जायजा लिया है, एक बार देखिए।
जम्मू के सावा सेक्टर के इस मंदिर के पास मैं खड़ा हुआ हूं। ये मंदिर नरसिंह मंदिर है और रात में यहां के प्रशासन ने ये बोला था कि इसी मंदिर में जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं वहां से आकर के इन लोगों को रोकने के लिए कहा था। ये जो गांव के लोग हैं यहां पर मौजूद हैं, बॉर्डर का इलाका जो है गांव चिलियारी है, वहां से ये सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि रात में गांव खाली करने के लिए कहा गया था और यहां करीब 100 की संख्या में थे, लेकिन अब जैसे ही दिन हुआ है यहां के प्रशासन ने इनको ये बोला है कि अपने गांव में जा सकते हैं। रात में आशंका ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा सकती है, इसी को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां के आसपास के 10 किलोमीटर में जो गांव मौजूद हैं उनको खाली करने के लिए कहा था। अब ये लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने ये भी कहा है कि शाम को फिर इन लोगों को वापस यहां पर आना होगा, क्योंकि रात में फिर आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ से कहीं गोलाबारी न कर दी जाए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी रात कैसे गुजरी है। आखिर आप ये बताइए कि किस तरीके से यहां आपकी रात बीती है और किस तरीके का डर और भय का माहौल था? बहुत परेशानी से रात कटी है से। कोई रात बेला कर खाना बने लिया ते और परेशानी न्याने कन्ने बड़ी मुश्किल कन्ने पहुंची आस इत्थी। न्याने उन्हें सब परेशान, साले साल सानू इयै रफड़ रौंह्दा पेदा बार्डर आह्ले लोकें गी, चुक्को टिंड फूड़ी ते चलो, चुक्को टिंड फूड़ी ते चलो, सानू कुतै रौह्ने गै नी मिलदा उत्थी बार्डर ते, कोई साले साल इयै कम्म रौंह्दा होंदा। हून अस रात बेल्लै कुत्थै आना होंदा बच्चे लेइयै, बड़ी परेशानी च रात कट्टी ऐ असें हून इत्थै बड़ी मुश्किल परेशानी में रात कटी है। ज्यादातर लोगों का कहना है जो सरहद के इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कम से कम इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पहली बार हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। विज्ञान भवन में मौजूद है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, देश भर से स्वच्छता अभियान और जो काम उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए किया है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके प्रेजेंटेशंस के लिए और जिस तरह के प्रोग्राम्स वो चला रहे हैं अपने अपने शहरों में वो दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। वेंकैया नायडू उनके साथ हैं, मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कुछ ही देर में वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। आज तक की नज़र बनी रहेगी इन्हीं तस्वीरों के साथ। छोड़े जाते हैं आपको एक ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंच से बोलने वाले हैं, सबकी नज़र रहती है कि क्या वो कहते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। जवाब पाकिस्तान को मिल चुका है और इन सब के बीच इस हमले के बाद विज्ञान भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर देश भर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की तरफ से ये प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन में किस तरह से उन्होंने काम किया है उसकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट कह लीजिए, ग्राम स्वच्छता सूचकांक और ऐसे ही तमाम जगहों पर हो। लेकिन नज़र इस बात पर होगी कि ऑपरेशन पीओके के बाद प्रधानमंत्री आज विज्ञान भवन में बोलने वाले हैं और इस बीच जो खबर आ रही है वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नवाज की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने ये बैठक बुलाई है और इस्लामाबाद में कैबिनेट की बैठक है। किस तरह का फैसला इसमें लिया जाता है, क्या कहा जाता है, सबकी नजर उसकी होगी। ये देखिए नवाज शरीफ इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। हलचल दोनों ही तरफ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ बौखलाहट भी है, छटपटाहट भी है, क्योंकि पहली बार एक करारा जवाब मिला है। प्रॉक्सी वॉर खेलने के अपने पुराने हथकंडे से बाज नहीं आने वाले पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ऐसा सबक सिखाया गया है कि नवाज शरीफ ने फिलहाल कैबिनेट की एक बैठक बुला ली है और इस कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या चर्चा होती है, इस पर हमारी रहेगी नजर। इस बीच प्रधानमंत्री भी विज्ञान भवन में आज कुछ बोल सकते हैं, वो भी आपको सीधा दिखाएंगे। आज तक पर लगातार हमारी ये विशेष कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।